Assalamualaikum viewers, welcome to In House Delight. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ एक बहुत ही मज़ेदार आलू अंडे का सालन। मुझे उम्मीद है कि आप भी इसे ट्राई करेंगे, आपको ज़रूर पसंद आएगा। यहाँ मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं मैंने लिया है यहाँ तकरीबन 8 मैंने लिए हैं इसमें अंडे, आप अपने हिसाब से जितना आपको सालन बनाना है आप ले सकते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 4 अदर टमाटर जिनको मैंने इस तरह बारीक चॉप कर लिया है। इसके साथ मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं जिनको मैंने इस तरह क्यूब में कट कर लिए। इसके साथ यहाँ मैंने तकरीबन 7 से 8 जवे लहसुन के और 1 अदरक का टुकड़ा लिया है, इसको मैंने इसी तरह लिया है क्योंकि इसको हम टमाटर में ब्लेंड कर लेंगे। इसके साथ मैंने 3 अदद हरी मिर्चें ली हैं जिनको मैंने ऐसे बारीक कट लगा कर, इनको दरमियान से कट लगा कर मैंने इस तरह लंबा सा काट लिया है। 1.5 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी और यहाँ मैंने 1 टीस्पून लिया है पिसा हुआ धनिया कोरिएंडर। अब हम इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक देगची में आप ऑयल ले लें, तकरीबन यहाँ मैंने 1/2 कप ऑयल लिया है। इसके बाद आप इसमें कटा हुआ प्याज ऐड कर दें और इसको इसके साथ ही सौते करें। जैसे ही आपका प्याज हल्का सा गोल्डन होने लगे तब आप इसमें चॉप किए हुए टमाटर ऐड कर दें। इसके साथ ही इसमें लहसुन और अदरक जिसे मैंने काट के रखा हुआ है वो ऐड कर लें। यहाँ मैंने जो अदरक का टुकड़ा लिया था उसे छोटे छोटे हिस्सों में कट कर लिया है। इसको हम साबुत इसीलिए ऐड करेंगे क्योंकि हमने अभी अपने मसाले को ब्लेंड करना है। साथ ही इसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर दें जिसमें मैंने यहाँ हल्दी ली है 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून इसमें मैंने लिया है पिसा धनिया, 1.5 टीस्पून सॉल्ट, बाद में आप इसको अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लें, और इसके साथ 1 टेबलस्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर लाल मिर्च ली है। अब यहाँ इस मसाले को आप तकरीबन 2 से 3 मिनट पर हल्की आंच पर आप इसे दम लगाएंगे ताकि इसमें सारे टमाटर अच्छी तरह से गल जाएं। इसके बाद हम इसको मसाले को ब्लेंड कर लेंगे। जी व्यूअर्स, यहाँ मैंने अंडे देखें डेगची में डालकर मैंने इनको पानी डालकर बॉईल होने के लिए रख दिया है। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक का ऐड किया है। नमक डालने का मकसद यही होता है कि इनके ऊपर के जो छिलके हैं वो आसानी से उतर जाएँ, ये आसानी से पील ऑफ हो जाएँ, और इनको हमने हार्ड बॉईल करना है तकरीबन 7 से 8 मिनट, तकरीबन 10 मिनट तक आप इन्हें अच्छी तरह से बॉईल कीजिएगा ताकि इसके अंदर की योक्स भी अच्छी तरह से बॉईल हो जाएं, हार्ड हो जाएं। इसके साथ यहाँ तकरीबन 2 से 3 मिनट दम लगाने के बाद ये देखें हमारा मसाला माशाल्लाह जो है काफ़ी अच्छी तरह से रेडी हो गया है। इसमें टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, इसके साथ साथ लहसुन भी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गया है। अब हम अपने इस मसाले को यहाँ ब्लेंड कर लेंगे, और जिन लोगों के पास ब्लेंडर नहीं है, जो लोग नहीं यूज़ करते ब्लेंडर स्टिक वगैरह या जूसर ब्लेंडर, वो यहाँ ये कर सकते हैं कि आप अपना लहसुन अदरक जो है ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके डाल दें और टमाटरों को भी इससे भी मज़ीद ज़्यादा चॉप करके डालें और फिर आप उसको चम्मच की मदद से ही आसानी से अपने मसाले को भूनते हुए अपने इसको तैयार कर लें। अब मैं इसको ब्लेंड करती हूँ। जी व्यूअर्स, यहाँ मैंने मसाला अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। अब आप अपने मसाले को अच्छी तरह से भून लें ताकि इसमें ऑयल ये छोड़ दे, ऑयल बाहर निकल आए। उसके बाद हम इसमें आलू ऐड करेंगे। जी व्यूअर्स, अब ये देखें इसमें से ऑयल निकलना शुरू हो गया मसाले में से। अब हम इसके अंदर कटे हुए आलू ऐड कर देंगे और इनको तकरीबन 2 से 3 मिनट मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। बहुत ही जल्द ये सालन तैयार हो जाता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जल्दी से बनने वाली क्विक सी इजी रेसिपी। जी व्यूअर्स, 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद ये हमारे आलू मसाले में बहुत अच्छी तरह से भून गए हैं। अब इसके अंदर मैं यहाँ तकरीबन ये 2 ग्लास पानी है मैं इसके अंदर ये ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो आपने जितना इसका शोरबा बनाना है आप उस हिसाब से इसके अंदर पानी ऐड कर लीजिएगा। और अब इसे तकरीबन हम 20 से 25 मिनट का दम लगाएंगे जिसमें हमारे आलू अच्छी तरह से गल जाएंगे
उसके बाद हम इसमें अपने बॉईल किए हुए अंडे ऐड करेंगे। जी व्यूअर्स, आफ्टर 20 to 25 मिनट्स ये देखें माशाल्लाह हमारा शोरबा बहुत अच्छी तरह से रेडी हो गया है। हमारे आलू भी बहुत अच्छी तरह से कर गए हैं। आप किसी नाइफ की मदद से इन्हें चेक कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक अंडा लिया है, इसको मैंने बीट कर लिया है। अब अपने शोरबे को मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए इसमें हम इसको ऐड करेंगे। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके इसको ऐड करते जाएं और चम्मच मुसलसल इसके अंदर हिलाते जाएं। इस तरह से आपके शोरबे का टेस्ट और भी मज़ेदार हो जाता है। ये देखें व्यूअर्स, इसको अच्छी तरह से इसके अंदर इस तरह मिक्स करने के बाद अब यहाँ मैंने जो अंडे बॉईल किए थे उनको मैंने पील ऑफ कर लिया है। अब इस स्टेज पर इसके अंदर मैं सारे एग्स ऐड कर देती हूँ। अब हम इन्हें और साथ ही इसके अंदर जो मैंने ग्रीन चिलीज काट कर रखी हुई थी उनको भी ऐड कर दूंगी और मज़ीद इसको मैं 5 से 7 मिनट का दम लगाऊंगी। उसके बाद हम इसकी फाइनल लुक देखते हैं। जी तो आफ्टर 5 मिनट ये देखें माशाल्लाह हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखें माशाल्लाह, अब हम इसको डिश आउट करते हैं। जी व्यूअर्स, आलू अंडे का मज़ेदार सालन बिल्कुल रेडी है। बहुत ही क्विक और जल्दी आसानी से बनने वाली मज़ेदार सी रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरे चैनल की चीज़ें अच्छी लगती हैं तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दुआओं में याद रखें, मिलते हैं बहुत जल्द एक बहुत ही अच्छी और नई रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।